हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दगड़ियों तेरा राउत ब्लॉग की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, गांव से आने के बाद यहां पर हमारे घर वाले अपना भी पेंट करने पर लगे हैं, क्योंकि हर साल करते रहते हम पेंट, अपना भी करते थे, किसी पेंटर को नहीं बुलाते। जितनी भी हमने दीवारें कर रखी हैं अपना आप ही कर रखे हैं। और कल जैसे में टूटी गए थे, इन्होंने काम छेड़ दिया नीचे। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ नीचे पेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं गांव से जो अखरोट लाया था ना, पहले उनको ये रखे यहाँ पर रखे हुए हैं। इनको पहले मैं धूप में रख लेता हूँ, इन्हें तो ये ख़राब होता है, क्योंकि कल बारिश हो गई थी ना, तो रख नहीं पाए थे। अब इनको मैं छत पर रख के भी आता हूँ एक बार दोस्तों। और आज मौसम देख ही रहे होंगे, बाहर में धूप पड़ी है, कब बारिश आ जाएगी पता नहीं, कब तक पूरे दिन बारिश थी। और हमारे जेटी पुट्टी करने पर लगे पड़े हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो ये भी आ रखे थे, ये पुट्टी करने पर लग गए, आप पूरे पेंट उन्होंने खींच रहे, नीचे इन्होंने खींच दिया। तो चले दोस्तों, पहले मैं अखरोट को ऊपर छत में डाल के आता हूँ। ये रहे दोस्तों अखरोट, ये दोस्तों फाइनली हमने अखरोट डाल दिया। यार कपड़े काफ़ी सारे हो रखे थे छत पे, मैंने बिठा के रख दिए धूप में से। अब देखो धूप चली गई है, और अखरोट फिर मैंने सुखाने रख दिए, तो ये सूखे भी नहीं अभी ढंग से। चलो दोस्तों नीचे चलते हैं, और नीचे लग रहे हैं पेंट करने में। तो ये देखिए, ये पेंट भी बन गया है, इसी कलर का पेंट बन गया, क्योंकि ज़्यादा नहीं छेड़ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए एंटर लगे पड़े हैं घर के बाहर। ये देखिए सारे घर में अपना भी पेंट होता रहता है। चलो दोस्तों मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ, और नीचे भी दिखाता हूँ कमरे का वो। हाँ जी नितिन रावत जी, कितनी दिहाड़ी होगी आपकी? कल लूंगा दिहाड़ी, आज नहीं ले सकता। कल लेगा? आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? पहले दो दिन काम करनी पढ़ाई तो होती रहेगी। अच्छा चलो ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, ये कलर चेंज एकदम चकाचक कलर कर दिया है। ये देख लो कलर चेंज हो गया, पहले रेड कलर था यहाँ पर, और ये चेंज कर दिया। ये देखिए पुट्टी उट्टी खींच के झकास बना दिया, मतलब दिवाली से पहले इन्होंने घर को चमका दिया है फर्स्ट क्लास तरीके से। अंदर ये देखिए कमरे का कलर इन्होंने चकाचक बना दिया। ये देखिए पूरा भी ऐसे सेटिंग कर रखी है। अब ये देखो इधर का कलर भी चेंज कर दिया। अब मेरा सामान देख रहे हो ऊपर रखा है, अपने सामान की पूरी सेटिंग करूँगा। ये देखिए मस्त बना दिया, लाइट कलर मार दिया, पहले डार्क कलर कर रखा था हमने, अपना भी पेंट करते थे। तो दोस्तों जिसको पेंटर की जरूरत हो, तो ये पेंटर लगे पड़े हैं, और बाकी हम भी हैं साथ में। ये देखिए और अच्छा चक बना दिया, और भी बिल और जी भी ट्यूशन से आ गया, और जीने से लेकर आ रखे लगे पड़े हुए पेंट करने में। दोस्तों मेरे जेठू जी का भी अनुभव आए नहीं, कल परसों में बारिश हो गई थी, तो बारिश के चलते है मलबा नहीं आया था, क्योंकि गीला हो गया था। तो आज थोड़ा सा मौसम सही लग रहा है, तो देखो मलबा वाला कह रहा है कि आ रहा हूँ, तो कितनी देर बाहर है उधर मलबा भी डलेगा, फिर मेरे जेठू जी भी घर जाएंगे। जाना तो अभी मैंने फिर है, अभी तो कल तो परसों तो हम आए हैं, तो फिर अभी जाना है, तो घर के काम भी है। देखिए दोस्तों मस्त पेंट वेंट हो चुका है, अभी ऊपर का भी होने जा रहा है पेंट ऊपर के कमरे का, तब तो हो सकता मैं अभी एक कंप्लेंट है अगर जाऊँगा तो, मैं तो थकान भी बहुत रही, मैं तो अभी सो के अभी उठा और लेट ही उठा मैं, तब तक इन्होंने पूरा नीचे का चकाचक कर दिया। चलो दोस्तों वीडियो में बने रहना, कर लेते पहले नाश्ता। ठीक है दोस्तों, नितिन रावत जी लगे पड़े हैं पेंट करने, बढ़िया नितिन रावत भी, नितिन रावत भी पेंट करने आपने ठेका मेरे को दे सकते हैं? ठीक है यही रखा तेरे को, आराम से झट झट मत लगा, झट झट लगा तो उधर दाग लगा दे रहा है। अभी ट्रेनिंग इन कर रहा ना ये पेंटर, अभी ट्रेनिंग इन वाला है पेंटर है। ट्रेनिंग कल पूरी दीवारें कर दी मैंने, हां ट्रेनिंग की दूर की। ये देख रहे थे, ये देखो आराम से, हां ऐसे, हां जग ये बाकी तो निकल जाती है। कोने बनाने में क्या आती है? आफत आती है, बाकी तो पूरी दीवार तो फटाफट हो जाती है। अच्छा नाश्ता कर लिया? कब का? चलो दोस्तों हम कर लेते पहले नाश्ता वाले, यहाँ होता रहेगा। तो हमारे घर में ये कह रहा है सौरभ जोशी की वीडियो देखता रहता है, जैसे ही ट्यूशन से आया और सौरभ जोशी की वीडियो देखता रहता है, नाश्ता कर रहा है। ये है चाय बना दी तुमने? तो दोस्तों यहाँ पर नाश्ते में बना है गांव की चचिंडा, तो मैं लाया था गांव से चचिंडा। अरे देखिए आप आइए और नाश्ता करिए, ये है गाँव का चचिंडा, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों गाँव के चचिंडा। और मूला भी ला रखा, मूला की सब्जी से बच्चे तो चचिंडा खाने के लिए बिल्कुल मना करते हैं, पता नहीं बच्चों को क्या है, सब्जी खाने में मना करते रहते हैं। तो चलो दोस्तों हम कर लेते हैं फटाफट नाश्ता, और बाकी इन्होंने अंदर भी करना है, तब तक मैं नाश्ता करके तैयार हो जाता हूँ। तेरे अंदर भी धूल उड़ा देंगे, अभी इनको पूरा दिन लगेगा वो करने में।
तो दोस्तों हम हो चुके हैं तैयार। एक कंप्लेंट है यमुना बिहार जाने के लिए, तो भजनपुरा की साइड में जा रहा हूँ। 12 भी बज चुके हैं, आप लेट भी उठे थे, थकान बहुत हो गई थी घर से आने के बाद बाइक चला के। तो चलो दोस्तों ये पेंट करते रहेंगे और हम चलते हैं जमुना पार की तरफ, भजनपुरा की तरफ। एक कंप्लेंट है होकर के आ जाते हैं, फिर आते हैं दोस्तों घर पर। तो हम आ चुके हैं पुस्तक की तरफ। ये देखिए दोस्तों खेतों में कितनी धान लगी पड़ी है, धान पकने वाली है थोड़े दिन बाद। इधर तो अभी हुई भी नहीं, अभी देखो अभी थोड़ा थोड़ा हुआ। तो 2:34 भी हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत खतरनाक बारिश हुई थी 15-20 मिनट के बाद। देख रहे हो यहाँ पर ये ट्राई सूट बेच रहे हैं। देखो भाई क्या रेट है ये? भाई 200 रुपए में पूरा सूट। 200 रुपए में पूरा सूट? जी पूरा सूट है देखो। अच्छा ये देखिए पूरा 200 रुपए में पूरा 200 का सूट भी नहीं आ रहा है, हम तो पूरा दे रहे हैं। अच्छा पूरा सूट 200 रुपए में। कहाँ पर है फैक्ट्री आपकी? फैक्ट्री नहीं है हमारे पास, माल पड़ा है। माल पड़ा है ये देखिए दोस्तों, पूरे ट्राई सूट मैंने भी ले लिया एक, जबकि मेरे पास था। ये देखिए दोस्तों ये तो बजराबाद के पास सिग्नेचर ब्रिज के पास बेच रहे भाई लोग, जो भजनपुरा से सीधे बुराड़े बाईपास की तरफ जरूर आते हैं। काफी सारे सूट बिके हैं भाई के। देखिए 200 रुपए में बरसाती है, देखिए गर्मी में पूरे, ये देखिए गर्मी में देखिए पूरी सूट पहन के, अभी बारिश हो रही थी तो पहन के रखा था इन्होंने भी। देखो बेच रहे हैं, काफी लोग ले रहे हैं इनसे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर पेंट हो चुका है, देखो इधर भी ऑरेंज कलर पूरा हो चुका है, अंदर भी हो चुका है। देखो कितना सामान बिखरा पड़ा है, अभी भी बहुत ज्यादा। अब मान गए ड्यूटी से और यहाँ पर लगभग 3:45 बज चुके हैं। हाँ यहाँ ए सी भी चल रही है, वो चल रहा था कि ठंडा लग रहा है दोस्तों। कलर ये हो गया ऐसा वाला कलर, ये देखो आप देख लो ये कलर, देखिए देखिए स्काई ब्लू है, देखो एकदम चकाचक कर दिया इन्होंने घर को, क्या मस्त कलर हो चुका है आ रहा है फर्स्ट कलर। ये देखिए इस पर भी मार दिया है ब्राउन कलर, आज इन्होंने बिल्कुल चमक कर दिया। हर पंखा चला देता हूँ फिर दोबारा, ये देखिए दोस्तों हम भी अब सफाई पे लग जाते हैं। अब उठा लिया हमने झाड़ू, आज शुरू कर देते हैं थोड़ा सफाई, क्योंकि सफाई करना भी जरूरी है। ये केले लगे पड़े हैं, इनकी मदद भी करना जरूरी है। मैंने चला दिया पंखा ताकि गर्मी बाहर, हीट बाहर निकल जाएगी, एसी भी चली रही तो गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर की तरफ भी, बारिश भी हुई थी पर उमस ज़्यादा हो रही पसंद से। हालत थोड़ी खराब का भी बनने हमारे लिए, चाय भूख भी लगी बहुत तेज, कुछ भी नहीं लाया मैं समोसा जल्दी चाय, बाहर काम चल रहा है। चलो हम भी सफाई कर लेते पहले। दोस्तों 4:45 बजने वाले हैं, अब काफ़ी थकान भी लग चुकी है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। अभी मैंने बहुत सफाई कर ली यहाँ पर, किसी ने बर्तन वर्तन धो लिए और अभी पेंट करना बाकी रखे नीचे का, बाकी मैंने सब सफाई कर ली यहाँ पर नीचे, वो सफाई कर रहे हो। ऊपर छत पे आप कैमरे में देख रहे होंगे, छत पे भी लगे पड़े हैं वहाँ पर, और मैं साथ साथ अखरोट भी यहाँ पर अखरोट भी रखे हैं ना, साथ साथ इनको भी खा रहा हूँ क्योंकि ये भी खाने जरूरी है सेहत के लिए। हमारे घर में कोई खाता नहीं है सिर्फ मेरे सिवा, बच्चे लोग तो आजकल के छूते भी नहीं इसको, तो मैं खाता रहता हूँ। देखो दोस्तों दान से ही फूट जा रहे हैं, ये देखो टूट गया दान से भी, तो दान से ही टूट जा रहे हैं। अच्छा अखरोट है, देखा अभी ऊपर छत पर भी चल रहा है, अरे चलो सफाई कर रहे हैं ऊपर भी। तो दोस्तों चलो बने रहने वीडियो में। तो दोस्तों एक दाना मैंने फोड़ा था, ये ख़राब निकल गया, आप देख रहे हो ये ख़राब निकल गया है। ये अनित राव जी भी खूब लगे पड़े हैं, आप देख ही रहे होंगे काफ़ी, कल से बहुत मेहनत कर रहे हैं पेंट वेंट करने पर। ये फ़ोन किसका आ रहा है देख रहे हैं एक बार। तो चलो मुझे बाहर आना पड़ेगा, मलबा वाली गाड़ी भी आ गई मेरी जेठू जी की, जेठू जी का पुट्टी खींचने में लग रहे हैं, तो मैं मलबा वाली गाड़ी को एक बार प्लॉट में ले जाता हूँ और मलबा डलवाता हूँ। आप देख रहे हो मेरे पीछे गाड़ी आ ही रही है, तो यहाँ पर मुझे आना पड़ा। चलो दोस्तों पहले डलवाते मलवा, देखिए गाड़ी जाएगी बैक होके सीधी, इधर बैक होके जाएगी यहाँ से गली में, क्योंकि आगे से मुड़ नहीं पाएगी। अब बैक होकर आगे आ रहे गाड़ी है, देखो भाई साइड दिखाते रहे ना, ये भाई मलवा लगे साथ है। दोस्तों मलवा गिर रहा है यहाँ पर, लड़ गई ये गाड़ी और मोटा मलवा, ये गिरा, आगे ले लो थोड़ा आगे चल गया, गिर गया मलवा, तो गिर गया मलवा दोस्तों यहाँ पर। हेलो दोस्तों आ चुके हम घर पे, गर्मी देखिए पसीने देखो बस कितनी हो रही है, और अब करते हैं हम पेंट, नीचे जाके किचन का पेंट कर लेते हैं,
सकते हैं दोस्तों, ऊपर छत पर लगे पड़े हैं, देख लो छत पर लगे हैं और कैमरा में दिख रहे होंगे, तो हम भी अब करते हैं। तो दोस्तों और 4 बजने 5 बजने वाले हैं और अब हमारे को ऑर्डर दे दिया है चाय बनाने के लिए, कह रहे तुम्हारे बस की कुछ नहीं है चाय बनाओ। तो अभी तो मेरे यहाँ यहाँ पेंट करूँगा नीचे, मगर पहले कह रहे चाय बनाओ तुम, उसके बाद मैंने कहा सीमेंट लेता हूँ, पहले चाय पिलाता हूँ ऊपर छत पे इनको। तो दोस्तों बनाने जा रहा हूँ चाय। तो दोस्तों फटाफट बना लेता मैं चाय। चाय बनाने के बाद फिर ऑर्डर आ गया है कि रोटी आटा गूंद के रखो और सब्जी काट के रखो, नीति राउत को लगी है भूख, तो उसके लिए पहले मैं आटा गूंद के भी रखता हूँ और पहले चाय बना लेता हूँ, उसके बाद सब्जी काटता हूँ फिर आटा गूंद के रखता हूँ। तो दोस्तों फाइनली चाय बन चुकी है, अब चाय लेके जाता मैं छत पे गरम गरम चाय, और जरा लेबर लोगों को चाय पिलाना जरूरी है। चलो दोस्तों गर्म गर्म चाय लेके, और लेबर लगे पड़े हैं यहाँ पर, लेबर को चाय ले लो, पकड़ो चाय। तो इनका काम आज ही कितना काम रह गया बाकी, अब ये रह रहा है 2 दिन में पूरा काम खत्म, 2 दिन पे। तो फाइनली दोस्तों चाय काम हो गया, बढ़िया बना रखा पका के एकदम झकास चाय बना रखा है। और देखिए दोस्तों ये छत का बाउंड्री पे भी इन्होंने स्काई ब्लू लगा दिया पूरा, ये देखे इन्होंने इतना मिक्स करे इसमें बहुत ज़्यादा, अभी ऊपर पुट्टी खींच दी। जेडी जी को पता है जेडी जी कितने कलर मिक्स करे इसमें? 4 कलर, कौन कौन से? नीला, लाल, आसमानी, पीला। हाँ तब जाके कलर बना। वाह दोस्तों 4 कलर मिला के इन्होंने ये कलर बनाया, क्या प्यारा लग रहा है कलर। और मैं इंस्टाग्राम रील बनाऊँगा ना तो बड़े अच्छा भी लगेगा, ये दिख रो सारे बाउंड्री तरफ इन्होंने पूरा पेंट झकास बना दिया है ये देखिए दोस्तों। तो हमारा वैसे लगभग दोस्तों हर साल पेंट करते रहते हैं, वैसे हम अपना आप ही खुद कर देते हैं, मगर इस बार हमारे साथ एक लेबर और था हमारे जेठू जी, इस बार एक लेबर और जुड़ गया, नहीं तो हम दोनों करते थे, नितिन भी नहीं करता था। आपकी बार तो नितिन का मन भी पता नहीं क्यों क्या कर रहा। देखो मेरे वहाँ से आने पर उत्तराखंड से आने की बात ये दिखी थी दोस्तों, इन्होंने पेंट शुरू कर दिया यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चलो दोस्तों हम भी पहले चाय पी लेते हैं, और कलर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, कैसे हमारा लेबर का काम कैसा जैसा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। कहीं पर उसे बिल्कुल टच कर रखा है, बिल्कुल पेंटरों के जैसे काम कर रखा है, इतना टप को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों कि पेंट कैसा लगा आपको और हमारे मिस्त्री ने कैसे काम करा। चलो अभी हमारे मिस्त्री पी रहे हैं चाय। और दोस्तों एक ना दुखद की खबर ये भी है कि हमारे जेठू जी के यहाँ पर आ रखे ना, तो उनको काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर अपने DVC करा रहे थे, तो गांव में उनके बकरी थे ना खाडू को बाघ ले गया, जब मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में कि वहाँ पर बाघ हमेशा रहता है उधर की तरफ, तो आज बहुत दुखद की खबर है कि इनका खाडू होता है ना खाडू डिब्रू भेड़ बोलते हैं जिसको, तो उनका बाघ ले गया। बहुत कम से कम उसकी कीमत 14-15 हज़ार रुपये रहेगी, तो खाडू की कीमत ऐसी होती है क्योंकि पूजा में काम आता था, लोग महंगा पड़ता था खाडू, इनका खाडू का बहुत दुखद खबर है, आज इनका खाडू को बाघ ले गया, तब बताओ इनका बहुत नुकसान हो गया, इनका नुकसान हो गया यहाँ के बहुत ज़्यादा। चलो दोस्तों फाइनली हम भी अब अपना लग जाते हैं कारोबार में, पहले मैं धो लेता हूँ ब्रश, तो फाइनली दोस्तों मैंने धो लिया ब्रश, अब हम करते हैं इधर की तरफ पेंट। ये शुरू करते हैं यहाँ से, ये तो फाइनल अभी मैंने आटा भी गूंदना है, तो अब करने लगे नीचे, तो उसके बाद आप आटा गूंदता थोड़ा सा रह गया, 5 मिनट में फटाफट लगा देता हूँ मैं नीचे ब्रश करके। तो दोस्तों 8:30 भी बज चुके हैं और हम नहा धो के हो चुके हैं फ्रेश, और बीबी राव जी पता नहीं कहाँ चला गया, उसको स्विच ऑफ जा रहे हैं, घंटे जा रहे हैं उठा ही रहा है, तो अभी जा रहे पहले उसको ढूंढने के लिए, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो दोस्तों अब ये नहा धोगी फ्रेश हो जाएगी, इसको टेंशन हो गया कि कहाँ चला गया, फोन वो नहीं आ रहा, दोस्तों को फोन कर उसका। चलो हम चलते हैं, तो ये आ गया है, इसको जैसे हम ढूंढने के लिए गए थे तुरंत यहाँ पर पहुँच गया, इसने सर में दर्द का काफ़ी देर से गया था, अब आ रहा है ये। तो चलो दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार जो है सब्सक्राइब कर देना जी राव ब्लॉग को, और सपोर्ट भी करना, शेयर भी करना वीडियो को, करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कहीं और से, तब तक के लिए बाय बाय।